सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे अभी 2 दिन पहले एक नया अपडेट आया था और उस अपडेट में बेनिफिशियरी लिस्ट के बारे में बताया गया था। बेनिफिशियरी लिस्ट आई थी, उसका लिंक एक्टिव किया गया था जिससे कि आप अपने लिस्ट में अपना नाम देख सकते थे, पर्टिकुलर विलेज का आप लिस्ट देख सकते थे। तो दोस्तों, वो लिस्ट दोबारा से फार्मर कॉर्नर पे दिखाने लग गया है उसका लिंक। आप देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड, बेनिफिशरी स्टेटस और उसी के नीचे बेनिफिशरी लिस्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये 2 दिन पहले ये अपडेट वेबसाइट पे किया गया था, ये लिंक एक्टिव किया गया था, लेकिन ये यहाँ इसमें कॉलम में नहीं दिखा रहा था, इसका लिंक केवल एक्टिव था। तो दोस्तों, अब आपको बताएंगे ये इसमें दिखाने लग गया है और अब लिस्ट में ये नाम भी दिखाने लग गया है। तो दोस्तों, लिस्ट में हम आपको नाम बताएंगे बिल्कुल दिखा के, कैसे आप किसी स्टेट का अपना नाम, गांव का नाम देख सकते हैं, किन किन लोगों को किस्तें मिल रखी हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर कोई नया बड़ा अपडेट आता है या कोई नई जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वेबसाइट पर आती है या कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपने क्लिक कर देना है यहाँ। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, ये 4 ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं और 5 ऑप्शन ये आ रहे हैं। और इसमें सबसे पहले आपने स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, कोई सा भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो तहसील है आपकी, वो आपने सेलेक्ट कर देना है। ब्लॉक उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक का नाम आप ढूंढ सकते हैं इस लिस्ट में। और उसके बाद आपका विलेज का नाम इस लिस्ट में आ जाएगा और आप विलेज का नाम जब सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं एक रिपोर्ट आ जाती है, नीचे लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में दोस्तों आप अपना नाम देख सकते हैं और आपका जो गांव है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो गांव का नाम है या आपका कोई सा भी गांव जो है, जो आपका गांव का नाम है, इस तरह से आपने गेट रिपोर्ट कर देना है। और ये देख सकते हैं लिस्ट इस तरह से आपके गांव की आ जाएगी। इसमें जितने भी फार्मर आपके गाँव में हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं और जिनको किस्तें मिल रही हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और इस लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकते हैं, इसको आगे पेज आगे बढ़ा के इस तरह से, इसमें आपको यहाँ से पेज आगे बढ़ाने का ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने किसानों को आपके गांव में बेनिफिट इसका मिल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। तो दोस्तों, ये गांव जो आप देख रहे हैं, ये इस गाँव में टोटल जो किसान है 205 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो लाभ मिल रहा है। इसी तरह से दोस्तों, आप और राज्यों का भी देख सकते हैं, जो सारे राज्य हैं, बिहार उसके बाद हम देख लेते हैं, बिहार का सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आपने गेट रिपोर्ट कर देना है और यहाँ आप देख सकते हैं इनकी पूरी फार्मर नेम, फादर नेम पूरा यहाँ आपको दिखाएगा। ये जो बाना जो विलेज है, यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोगों को बेनिफिट इसका मिला है। टोटल 22 लोग हैं, क्योंकि इसमें आगे पेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी केवल टोटल 22 ही लोग इसमें हैं जिनको ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, इस तरह से आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे बेनिफिशियरी लिस्ट आपने चेक कर लेनी है, फार्मर कॉर्नर पे जाके बेनिफिशियरी लिस्ट पे आपने अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज डालना है, गेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये जो वेबसाइट पे जो अपडेट किया जाएगा, ये रोज़ अपडेट किया जा रहा है, जो जिन किसानों को इसका लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। तो दोस्तों, इस तरह से आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कर लेनी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।